नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर से जोड़ने जा रहे हैं, एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर। और अब से कुछ देर पहले, लगभग 15-20 मिनट पहले, जगदानंद सिंह RJD के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि नाराज़ चल रहे थे पिछले एक सप्ताह से, पार्टी कार्यालय वो नहीं गए थे, वो अभी 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी देवी के आवास के भीतर गए हैं, जहां पर तेजस्वी यादव मौजूद हैं, RJD के कई विधायक अंदर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं मनाने की जो कवायद है वो चल रही है। आपको पता है, जिस तरीके से छात्र RJD की बैठक के दौरान तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर कह दिया था, उस वक्त से ही वो नाराज़ चल रहे थे। चाहे हमारा राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया हो, उस वक्त भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे। उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। पिछले एक सप्ताह से वो पार्टी कार्यालय भी नहीं आ रहे थे। उनके RJD के नेता भले ही कई सारी बातें कहें कि उनकी तबीयत खराब है या वो नहीं आ रहे हैं, तमाम बातें करें, लेकिन हकीकत यही है कि जगदानंद सिंह जो है वो नाराज़ चल रहे थे। पिछली बार भी, मतलब कुछ महीने पहले भी, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अपनी बेबाक बातों को रखते रहे हैं, उस वक्त उन्होंने जगदानंद सिंह पर कड़ा प्रहार किया था जबानी माध्यम से। ऐसे में जगदानंद सिंह कहने के नाराज़ चल रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, जगदानंद सिंह अंदर गए हैं, तेजस्वी यादव भी अंदर हैं, कई RJD के नेता भी अंदर हैं, और मनाने की जो कवायद है वो चल रही है। क्या जगदानंद सिंह RJD में ही रहेंगे? समर्थक तो भले कैसे कहें तो यही चाहते हैं कि जगदानंद सिंह RJD में रहें। कोई RJD का समर्थक भले क्यों चाहेगा कि जगदानंद सिंह, जो कि लालू प्रसाद यादव के ज़माने से उनके साथ रहे हैं, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी उस वक्त भी वो बिहार सरकार में मंत्री थे, तो वो पार्टी के किसी पद को वो ना छोड़ें, पार्टी की संस्था से वो खुद को जोड़े रखें। और ऐसे में जगदानंद सिंह जब अंदर अभी पहुँचे हैं तो क्या कुछ बातें हो रही हैं, कुछ तस्वीरें जो छन के आई हूँ आपको दिखा भी रहे होंगे, क्या अंदर बातें हो रही हैं उस पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। जब बाहर निकलेंगे उससे ज़रूर आपको अवगत कराएंगे। लगभग 15-20 मिनट से अंदर जो है वो मीटिंग चल रही है, क्या कुछ बातें हो रही होंगी आप समझ सकते हैं। कई सारी तस्वीरें जो है निकल के आई, उससे सवाल खड़ा किया। जगदानंद सिंह पिछले एक सप्ताह से पार्टी कार्यालय नहीं पहुँचे, उनका जो कक्ष है RJD दफ्तर में वो खाली रहा। पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय पहुँचते हैं, लेकिन उस वक्त जगदानंद सिंह मौजूद नहीं रहते हैं। पहले जब बैठकें होती थी उस वक्त जगदानंद सिंह मौजूद रहते थे, चाहे RJD की तमाम वो बड़ी बैठक हो जो 10 सर्कुलर रोड में होती है, विधायक दल की बैठक होती है, तमाम बैठकों में वो मौजूद रहते हैं। लेकिन अब जब वो पार्टी कार्यालय नहीं जा रहे थे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी चिंतित थे। तेजस्वी यादव से हमने कई बार सवाल भी पूछा, उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह हमारे अभिभावक हैं, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे, और कोई लड़ाई लगवाने की कोशिश भी करेगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ते नहीं हैं। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं। अब देखने वाली बात यह हुई कि जगदानंद सिंह जब अंदर पहुँचे हैं, मान मनोहर की जो कवायद है वो जारी है, कयास ये लगाए जा रहे थे कि पार्टी के पदों से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है अभी हम कह नहीं सकते हैं। क्या जगदानंद सिंह, जो कि RJD के बड़े नेता हैं, वो RJD के साथ ही बने रहेंगे इस पर, तो जब बाहर खुद आएंगे तो क्या कहते हैं, उससे आपको जरूर बताएंगे। हो सकता है कि तेजस्वी यादव ही हम लोग को अंदर बुला लें, साथ में बैठ के दोनों चाय पीते रहें। क्या तस्वीर निकल के आती है उससे आपको जरूर अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।